वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यू ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में। आज दिनांक 25 जुलाई 2021 दिन रविवार। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। आज जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे YouTube चैनल पे आप व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। आज श्रावण माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। सुबह 5:51 तक, उसके बाद द्वितीया तिथि। श्रावण माह, श्रावण का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। शिव भक्तों के लिए श्रावण का महीना इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। शिव भक्त इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में जा करके, दूर तीर्थों में जा करके भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं, उन्हें बिलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को सावन के महीने में विशेष करके पंचामृत से स्नान करवाए, भगवान को पंचामृत चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। इससे सभी प्रकार के आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण के महीने में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना गया है। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान का विशेष कर पूजन करे, अर्चन करे, भगवान की आरती करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इस बार सावन का महीना आरंभ हो रहा है 25 जुलाई 2021 से लेकर के 22 अगस्त 2021 को सावन का महीना समाप्त होगा। इस दौरान भगवान शिव का पूजन करे, आराधना करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। आज जया पार्वती व्रत का जागरण किया जाएगा। इस व्रत को विशेषकर महिलाएं करती हैं और जिससे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज से पंचक प्रारंभ है। पंचक प्रारंभ रात्रि 10:48 से पंचक प्रारंभ है और पंचक की समाप्ति होगी 30 जुलाई 2021 को दोपहर 2:02 पे पंचक की समाप्ति होगी। पंचक जिसे भद्रा काल भी कहा जाता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं किया जाता है, यह लाभकारी नहीं होता है। सूर्योदय सुबह 5:12 और सूर्यास्त शाम 6:39। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे शाम 7:59 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे सुबह 6:08 पे। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा मकर राशि में। यह वर्षा ऋतु है। अयन दक्षिणायन रहेगा। योग आयुष्मान योग रात्रि 12:42 तक। करण कौलभ करण सुबह 5:51 तक। उसके बाद वनिज करण। नक्षत्र की बात करें तो श्रावण नक्षत्र सुबह 11:19 तक। उसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो रविवार दिन होने के कारण दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दलिया और घी खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। आज के दिन भगवान सूर्य देव को जल में लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। भगवान सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं।
भगवान सूर्य देव की कृपा से समस्त जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य प्रदान करें। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन होता है। भगवान सूर्य देव को यह अधिक प्रिय दिन होता है। भगवान सूर्य देव का इस दिन अगर व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान सूर्य देव इससे प्रसन्न होते हैं और आरोग्य को प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:29 से दोपहर 12:21 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 3:17 से शाम 4:58 तक। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा शाम 4:58 से शाम 6:39 तक। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।